रामायण के बारे में जानते हैं? अच्छा, तो विभीषण की माता का नाम क्या था? केक्सी। वाह। कुंभकर्ण की बहन का नाम क्या था? मंदोदरी। ओके ओके सिरपण का, सिरपण का, सिरपण ओ, लेट याद आया ना। ओके, तो भगवान राम जो थे, उन्होंने जो लंका जाने के लिए क्या बोट का इस्तेमाल किया था कि बाइक का या एरोप्लेन का? का, पत्थर का। ओके, तो कितने साल का वनवास मिला था राम जी को? 14 15 साल का। वाह, का नहीं था, 14 सोच लो एक बार, कहीं 15 का हुआ तो। का ही था। अच्छा, तो कुछ और प्रश्न पूछ सकती हूँ क्या? आपको तो रामायण के बारे में खूब जानकारी है। तो जो राम जी और थे, वो कितने भाई थे, नाम बता सकते हैं? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रु, शत्रुघ्न। अच्छा, तो उनकी कितनी पत्नियां थी? चार। चारों माई के चार चार। हाँ, एक अच्छा, तो उनके नाम बताइए। सीता, उर्मिला, चंपा और चंद्रलेखा। ओके ओके राम अच्छा, तो कौन किसकी पत्नी, ऐसे कैसे पता चलेगा? सीता जी की, लक्ष्मण, राम लक्ष्मण सीता जी की पत्नी है। राम सीता जी की पत्नी है। ओके सीता जी राम की पत्नी और लक्ष्मण उर्मिला की पत्नी। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी। चंपा किसकी पत्नी थी और शत्रुघ्न की पत्नी? चंद्रकला। वाह, तो इनके पिता का नाम भी जानते हैं क्या? भरत। मतलब ये जो चंपा, चंद्रकला, उर्मिला और सीता थी, इनके पिता का नाम क्या था? माता सीता के पिता का नाम क्या था? अच्छा, तो उनकी माता का नाम तो पता ही होगा। जनक, जनक, ओके, माता जनक। का नाम क्या था? माता नहीं पता। अच्छा, तो दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी, तीन, नाम बता सकते हैं? कैकेयी, सुमित्रा, कौसल्या। बड़ी कौन थी? कौसल्या और दो नंबर पे, तीन कैकेयी, नंबर पे? तो सुमित्रा, लक्ष्मण जी किसके पति थे? सुमित्रा, ओके, भरत। भरत कैकेयी ओके, बहुत अच्छा, आपको नॉलेज है। तो कुछ और प्रश्न पूछ लूं, तो रामायण किसने लिखी थी? के, ऋषि वाल्मीकि। वाओ, तो सीता जी के कितने पुत्र थे, दो, नाम? लव और कुश। लव बड़ा था कि कुश? कुछ बड़ा था और लव छोटा था। तो जो वनवास के समय जो हिरण आया था, आपको तो पता ही होगा, उसके बारे में नहीं पता? हिरण आया था कि नहीं आया था? ऐसे नॉर्मल हिरन था कि चांदी का था, तांबे का था, सोने का था, हीरे का था, किसका बना था? सोने का, सोने का था। उसका नाम क्या था? स्वर्ण हिरण, उसका नाम क्या था? स्वर्ण हिरण, स्वर्ण हिरन उसका नाम था। वो था कौन? हिरन ही था, कोई रिश्ता। कोई ऋषि था। तो आप सभी नोट कीजिए, वो कोई ऋषि था जो स्वर्ण का हिरन बन करके आया था। तो उस समय माता सीता जो थी, वो तो अपनी कुटिया में थी, तो रावण जो हरने के लिए आया था उनको, तो वो कौन से वेश में आया था? ऋषि। ऋषि के वेश में आया था। तो फिर लक्ष्मण जी ने बचाया नहीं उनको। लक्ष्मण जी राम जी को बचाने के लिए गए अच्छा, तो सीता जी का रक्षा फिर कैसे किया? थे। एक तीर से, तीर छोटा एक था, तीर से रक्षा कर दिया। एक तीर छोटा था क्या?
देखो बच्ची छोटी सी बच्ची है, आजकल के जो बच्चे हैं उनको रामायण के बारे में इतना पता ही नहीं है। तो अगर आगे ऐसे और वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, और बेल आइकन बजाना कभी न मत भूलिए आप, ताकि हम ऐसे और इंटरेस्टिंग बच्चों के वीडियोस जो हैं आपके समक्ष लेके आते रहेंगे। हरे कृष्णा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। हरे कृष्णा।